तो नारोल रंगोरी नगर की अंदर लोगों की मुश्किल में भारे वधारो थयो छे। लोगों घरों में गटर का पानी भराता लोगों की हालत अत्यारे बदतर छे। 15-20 दिवस की घरों की अंदर गटर ना पानी भरायेला छे। रस्ताओ पर वरसादी पानी भरायेला छे अने घर की गटरो बेक मारे अने गटर ना पानी घरों में भराय। आम नारोल ना रंगोली नगर पासे आवेला दिव्यनगर में हजारों घरों में आ समस्या जणाई रही छे। शिवानी, अमदावाद ना जे नारोल विस्तार छे, नारोल में आवेला रंगोली नगर अने दिव्यनगर विस्तार छे, त्यां लोकोनी हालत छे ते नरकागार जेवी स्थितिमां छे। अत्यारे रंगोली नगर में आवेल दिव्यनगर छे त्यां हूँ उभो छुं। त्यां तमे जोई रह्या छो के रस्तो छे, रस्ता उपर गटरना पाणी भरायेला छे। छेल्ला 15-20 दिवसथी आ स्थिति छे। अहींया ગટરના પાણી છે તે રસ્તા ઉપર તો ઠીક, પરંતુ લોકોના ઘરો છે તે ઘરોની અંદર છેલ્લા 10 દિવસથી ભરાય છે અને લોકોને તેમના ઘરમાંથી પાણી છે તે 24 કલાક બહાર કાઢવા પડે છે। અનેક વખત રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારની કામગીરી કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં નથી આવતી। સતત પાણીમાં રહેવાને કારણે લોકોના પગ છે તેમાં ફૂગ આવી ગઈ છે। ઘણા લોકોના પગો છે તેમને એલર્જી પણ થઈ છે। અનેક વખત રજૂઆતો કરાય છે, પરંતુ કોઈ કામગીરી છે તે કોર્પોરેશન દ્વારા કરાઈ નથી। કેટલા સમયથી આ સ્થિતિ છે અને શું રજૂઆતો કરી છે? સર, 3 સાલ સે યહી કન્ડિશન હૈ। જબ ભી જાતે હૈ યહાં એએમસી મેં તો યહાં સે કહેતે હૈ કે હાઈફાઈ 4 રસ્તે પે બ્લોક હુઆ હૈ। हर बार जब भी कंडीशन ऐसी आती है, जब जाकर के हम लोग वहाँ पर बोलते हैं तो वो लोग यही बोलते हैं हाई फाई 4 रस्ते पे। मैंने उनसे कहा भी कि सर, आगे से पानी जा रहा है, इधर के 3 जो मेन होल है उसमें से पानी नहीं जा रहा है। हर बार आकर के 2-2, 3-3 टैंकर ले जाते हैं दिन भर में, बस उनका काम पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर कोई आता नहीं है।